कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका market associate.com में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही फायदेमंद सब्जी बनाने जा रहे हैं और इस सीजन के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है। आज हम बनाएंगे सहजन की सब्जी, जो मौसम बदलने पे, चूँकि मिलती भी नेचर की ऐसी देन है कि इसी टाइम पे मिलती है जब चेचक वगैरह ये सब होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो इस टाइम पे सहजन खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। वैसे सहजन खाना हमेशा ही बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन मौसम चेंज के समय सहजन ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और पसंद आए कुछ भी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। दोस्तों, आलू सहजन की सब्ज़ी बनाने के लिए ये सारे हम मसाले लिए हैं। जनरली ठंडा मसाला इसको कहते हैं, जिसमें सरसों वगैरह पड़ती है। तो लहसुन, सरसों के साथ जो है लहसुन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, 15-20 कलियाँ होंगी लहसुन की। और एक चम्मच पीली सरसों हम लिए हैं क्योंकि इससे जो सब्ज़ी का कलर है वो बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच धनिया, आधी चम्मच जीरा, कुछ दाने काली मिर्च के, थोड़ा सा पोस्ता दाना और एक छोटी सी प्याज। इन सारी चीज़ों को हमें पीसना है। आप चाहे मिक्सी में पीस सकते हैं, हम इसे सिलबट्टे पे पीस रहे हैं क्योंकि जो ये सरसों है और पोस्ता दाना है, अगर बारीक ना पीसी हो इसमें तो फिर अच्छा स्वाद नहीं आता है। दोस्तों, ये देखिए हमारा मसाला पूरा पीस चुका है, तो इसे इस कटोरी में हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस मसाले के पेस्ट में हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये हमारा मसाले का पेस्ट ये तैयार हो गया है। इसे हम साइड में कर लेते हैं और सब्जी छौंकने की तैयारी करते हैं। तो सहजन हम ये देखिए पतली मुलायम वाली लिए हैं, तो सहजन हम ये पतली वाली बिल्कुल लिए हैं एकदम, ये तो बिल्कुल नई है, पतली है और थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है तो काफ़ी मोटी हो जाती है, बीज उसमें काफ़ी आ जाते हैं। तो या तो वो वाली सब्ज़ी बनाइए या इसकी बनाइए, बीज वाली जो होती है उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो इसको काटने के लिए, चाहे मोटी वाली हो चाहे पतली वाली हो, इसमें थोड़े थोड़े रेशे निकलते हैं तो बस ऐसे छीलते जाएँ। ये देखिए ऐसे हल्का सा इसमें कट बचा के रखेंगे, थोड़ा सा छीलेंगे। चूँकि ये बहुत सॉफ्ट है तो इसमें ज़्यादा रेशा नहीं निकलता है, लेकिन हल्का हल्का जितना भी निकलता है हम उसे निकाल लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा रेशा निकलता है और इसके इतने बड़े बड़े ये टुकड़े हम काट लेंगे। तो ये काट कर हम तैयार कर लिए हैं। दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। दोस्तों, हम इस लोहे की कढ़ाई बना रहे हैं, देसी सब्जी है, देसी तरीके से बिल्कुल बना रहे हैं, सिल्फे मसाला पीस के। तो लोहे की कढ़ाई में ये डाल रहे हैं हम सरसों का तेल। इसमें हम तड़का लगाएंगे ये पंचफोरन से, पंचफोरन ना हो तो मेथी, राई, सौंफ, जीरा ये सब मिला के आप तड़का लगा सकते हैं। थोड़ी सी हींग भी डाल रहे हैं और इसमें ये मसाले का पेस्ट जो बना कर तैयार किए हैं इसे डाल देंगे। अच्छे से मसाले को भून लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही आसान बनाना है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। और इसके साथ आप सिंपल आलू की सब्ज़ी भी बना सकते हैं, बैंगन की सब्ज़ी, बड़ा वाला कद्दू जो पीला वाला आता है, जो छोटा सा हरा वाला होता है वो नहीं, जो बड़ा वाला कद्दू आता है उसकी सब्ज़ी, ये सारी सब्ज़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं इसके साथ। दोस्तों, हम तो सिल्फे मसाला पीस कर तैयार किए हैं, इसमें पोस्ता दाना और सरसों वगैरह जो उसे बारीक पीसना काफ़ी ज़रूरी होता है तो इसलिए हम सिल्फे पीसे हैं। और चूँकि पीस रहे थे इसलिए जीरा और धनिया ये सब भी पीस लिए, लेकिन आप चाहें तो जीरा और धनिया का पाउडर बिल्कुल डाल सकते हैं। और इसमें जो सरसों वाली सब्जियां रहती हैं जो भी, उसमें खटाई काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पड़ती है, थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले तो खटाई वगैरह डाल देते थे, हम यहाँ पे टमाटर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो होममेड जो आम का अचार होता है या होममेड खटाई होती है उसे भी डाल सकते हैं। मसाला देखिए हमारा ये भून चुका है और तेल बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो ये जो सब्ज़ियाँ हैं हम इसे डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसे भुनेंगे 2-3 मिनट के लिए। सब्जी अच्छे से ये भून के तैयार हो रही है हमारी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं ताकि ये गलता भी रहे आलू। सहजन को गलने में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कमी है नमक, टेस्ट करके फिर से डाल लेंगे अगर कम लगेगा तो।
नमक के साथ मिक्स करके ढक्कन लगा के 3-4 मिनट पका लेते हैं इसे। मसाले के साथ ये सब्जियां भी हमारी अच्छे से भुन रही हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं, जैसा कि हम पहले बताए, खट्टापन लाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। दोस्तों, जो घर में हम लोग अचार बनाते हैं आम का, और वो बच जाता है कभी कभी खाते खाते उसका जो तेल है वो बच जाता है, उसके साथ भी ये सब्जी बना सकते हैं। टमाटर के साथ भी हम इसे भून लेते हैं 2-3 मिनट। तो सब्जियां टमाटर और मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून चुकी हैं, मसाला बिल्कुल इनके साथ सब्जी के साथ लिपट चुका है। थोड़ा सा हम इसमें, अब चाहें तो इसे ऐसे ही ढककर पका सकते हैं, बिल्कुल ये आलू भी गल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे, तो थोड़ा सा पानी हम डाल रहे हैं। जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो, सिंपल बॉयल्ड राइस के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, या फुलके चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ढक देते हैं जब तक ये आलू और सहजन गल नहीं जाता। दोस्तों, 5 मिनट हो गया पकते पकते, चेक कर लेते हैं। सहजन तो मुलायम था, बिल्कुल पक चुका है, आलू भी पक चुके हैं। तो अब हम इसमें धनिया डालकर मिक्स कर लेते हैं फाइनली, और ये कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथों के बीच ऐसे क्रश करके डाल दें। फाइनली एक बार मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। गैस बंद करके डिश आउट कर लेते हैं। फाइनली गार्निश करने के लिए थोड़ी सी हरी धनिया इसके ऊपर हम डाल देते हैं, और लीजिए तैयार है आलू सहजन की सब्जी। इसे आप गर्मा गर्म सादे चावल के साथ सर्व करें।